हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु व्यास। वेलकम टू माय चैनल यू वॉचिंग रितु दिशा रेसिपी। आज हम आपको बताने वाले हैं कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार। आम के खट्टे मीठे अचार को आप एक साल के लिए अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले हम सभी कच्चे आम को छीलकर साफ करेंगे। कच्चे आम को हमने धोकर अच्छे से साफ किया है और हमने इनको ड्राई किया है। कच्चे आम में नमी नहीं रहनी चाहिए। सभी आम को छीलकर हमने साफ किया है। अब हम इसके छोटे छोटे बाइट करेंगे। आम के खट्टे मीठे अचार के लिए आप हल्के पके हुए आम का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह की रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कच्चे आम के बाइट हम मीडियम साइज के रखेंगे, ना ज़्यादा छोटा रखना है ना ज़्यादा बड़ा रखना है। कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार बच्चों का फेवरेट होता है। बच्चे इसे टिफिन में ले जाना बहुत ही पसंद करते हैं। अब हम कच्चे आम के अचार की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। इस अचार में आप ऑयल का यूज़ ना करें, घी से इसका टेस्ट लाजवाब हो जाता है। अब हम इसमें सौंफ फ्राई करेंगे। सौंफ को अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कच्चे आम के बाइट। कच्चे आम को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कच्चे आम के बाइट को हम 5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे। आम को हम मीडियम आंच पर रोस्ट करेंगे। जब हम कच्चे आम को रोस्ट करेंगे, आम हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। आप इनको हल्का सा दबाकर देख सकते हैं कच्चे आम आपके पके हैं या नहीं। हमारे कच्चे आम अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। शक्कर की क्वांटिटी आम पर डिपेंड करती है, आपका आम खट्टा है या मीठा है। जब आप आम में शक्कर ऐड करें, आम और शक्कर को अच्छे से मिक्स करते रहना है, नहीं तो आम और शक्कर दोनों नीचे चिपक सकते हैं। शक्कर हमारी पिघलना स्टार्ट हो चुकी है। जब हमारे शक्कर में अच्छे से एक उबाल आ जाएगा, हम गैस को ऑफ करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे शक्कर में अच्छे से एक उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। अब हम इसमें मसालों को ऐड करेंगे। आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच सादा नमक, हम इसमें काली मिर्ची पाउडर का यूज़ कर रहे हैं 1 चम्मच। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं हमारा खट्टा मीठा अचार बनके रेडी हो चुका है। इस तरह के अचार को आप पूड़ी या पराठे के साथ खाइए। खाने में यह अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। इस अचार को आप घर पर ट्राई करके ज़रूर देखिए और हमें कमेंट्स करके बताइए यह अचार आपका कैसा बना है। न्यू लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते एक नई लेटेस्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।